के लिए, अब एक दिल्ली और भोपाल के लिए, देखिए अब तो 6-6 ट्रेनें हैं। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका संस्कारदानी में स्वागत करता हूँ। आप तहजीब के शहर के हैं, हम लोग संस्कारों के शहर के हैं, और संस्कार से ही तहजीब आती है, और दोनों साथ साथ चलती हैं। पहले तो आपका मैं यहाँ पर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। निसंदेह हमारे भाई ने जो बोला कि 18 साल पहले लाइट की ऐसी व्यवस्था थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, आप और उसके 40 साल पहले जाइए, जब ये देश आजाद हुआ था, तब से लेके जो विकास यात्रा इस देश की आगे बढ़ाई थी, वो किसने बढ़ाई थी? इनके जो नेता जो आज बेच रहे हैं बड़े बड़े संस्थान, ये कांग्रेस ने बनाए थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसने बनाई? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने बनाई? इसरो किसने बनाया? जिनको इनके जो बड़े बड़े इनके जो सत्ताधारी जन है वो उसको बेच रहे हैं। कहते हैं कि ये जो सांस डाली है ये हम ही ने डाली है आपके अंदर, अगर हम ना होते तो आप कैसे होते? बीजेपी इंतजार कर रही है, बीजेपी वाले तो सिलेंडर चला रहे हैं, ऑक्सीजन का सांस तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कांग्रेस नहीं डाली है। बीजेपी वालों ने तो सिलेंडर, असली ऑक्सीजन तो कांग्रेस ने डाली है देश में। जी जनाब आली, बीजेपी का पक्ष देखिए, आज कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं। जबलपुर की बात ले ले, हाई कोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पीरियड का। जबलपुर के गार्डन, जबलपुर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विक्टोरिया, यहाँ पर एरोड्रम बंद पड़ा था, शहर बोलते थे, और एयर कनेक्टिविटी, एक मिनट, एयर कनेक्टिविटी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चालू हुई, दर्जनों ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 4,000 करोड़ की रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 1,100 करोड़ का फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हर विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। ये हम बड़े भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं शशिकांत भाई, आ रहा, नारा लगाना है तो नारा लगाना है, उसका भी कंपटीशन कराएंगे जी। हाँ, हमारे बड़े भाई शशिकांत शुक्ला जी ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, मैं आपके माफी चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें शशिकांत भैया ने बता दी जो दशकों से जबलपुर में हो रही है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जबलपुर का नौजवान इसके बाद भी जबलपुर में नहीं ठहर रहा? जबलपुर से पलायन करके पूना, बेंगलोर, वहां पढ़ाई कर रहा, वहीं बस रहा, और उसके माँ बाप जबलपुर में रह जा रहे हैं। ये बुजुर्गों का शहर हो गया इतनी उपलब्धियों के बाद। आईटी पार्क जबलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से 350-400 करोड़ का खुला है, जिसमें आने वाले समय में जबलपुर के 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन था, अब मैं आ रहा, एक मिनट, वन बाय वन, एक बार। जी जनाब, क्या नाम है साहब? रंजीत यादव है। रंजीत जी, क्या काम करते हैं आप? पेशे से वकील हैं। मैं दो फरलांग दूर चला गया, वकील साहब डराइएगा नहीं मुझे बिल्कुल भी। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी रंजीत जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर जबलपुर संस्कारधारी में 18 से 40 वर्ष के युवा खड़े हैं यहाँ पर, इस युवाओं के लिए 18 साल वाली सरकार ने आज तक ऐसी कौन सी योजना का क्रियान्वयन कर दिया जिससे इस जबलपुर शहर के लोगों को बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के रोजगार नहीं करना पड़ा? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देंगे बीजेपी वाले देंगे। मैं आ रहा हूँ भैया, बिल्कुल आ रहा हूँ भैया, जरूर आऊंगा जी। एक से पूछ लिया तो अब उसका नंबर 5 साल के बाद ही आता है जी। हाँ, खड़े होइए, घुटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग भी अमेरिका जा रहे हैं, पंजाब के लोग भी कनाडा जा रहे हैं, अगर जबलपुर के लोग जा रहे हैं चेन्नई और बेंगलोर तो उसमें क्या समस्या है? हायर एजुकेशन के लिए जाएगा आदमी, और जबलपुर का विकास अगर देखना है तो आप शहर घूमिए, और उसके बाद 80 और 90 के दशक की तस्वीरें निकालिए, बताइए, एक कस्बा था उसको महानगर बनाया है भाजपा ने, क्या बात करते हैं ये लोग? अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे याद गुप्ता जी, ऑडियो बढ़ाएंगे जी। मैं बिल्कुल आया। क्या नाम है आपका? सर रचना तिवारी मेरा नाम है। रचना, रचना क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं। हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अंदर आइए। मैं इंतजार ही कर रहा था कि कौन रिंग में आएगा पहले, आप भी आएंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह पठारिया। अच्छा जी, क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ साहब। अच्छा,
तो आएंगे अंदर क्यों आना है? कुछ नेताओं से उनकी मन की बात जो जनता ने लिखी है वो नेताओं के मन की बात कवि है क्या जी? ये प्रोग्राम कवि शायर और मुशायरा वाले सब लोग लूट लेते हैं। मैं आऊंगा आपकी कविता एक एक लाइन सुनूंगा। जी जी बोलिए। इस तरफ जरूर आइएगा। हाँ जी, इस तरफ नहीं आया। मैं इस तरफ नहीं आया। अच्छा, तो आपको भी कुछ कहना है क्या? क्या नाम है? खड़े हो ये थोड़ा सा तो मेरी बात हो जाएगी। जी मैं अनीता शुक्ला हूँ जी। मैं ग्रामीण क्षेत्र बेलखाड़ू से हूँ। मैं एक एनजीओ चला रही हूँ। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जरूर आपसे सवाल पूछूंगा। एनजीओ वाले किसान से जुड़े वाली बात और जो खास तौर से कवि हैं, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। हाँ जी, नमस्ते रचना जी। आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया भैया? ये काहे के लिए लाए हैं? ये आपका स्वागत कर लिया। आप जबलपुर में आए, आपका जबलपुर में हार्दिक अभिनंदन। तो एक काम करो, पर्चा भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं? अभी भर गए। अरे यार हो तो एक और भरवा दो मेरा भी। हाँ भरे जा रहे हैं। हाँ जी, ये संस्कारदानी का संस्कार है, अतिथियों का स्वागत। क्या नाम है आपका? राजा बंसकार नाम है मेरा। राजा? राजा बंसकार। राजा बंसकार साहब, कहने लगे ये संस्कार की नगरी है और संस्कार और एक देखिए कोई लड़ाई झगड़ा क्या हो गया आपका? बैठिए ना, अभी तो आ रहा हूँ मैं। सनातन पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, कोई अब छोड़ेंगे कुछ नहीं। इन्होंने राजा साहब ने पहना दिया मुझे और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ। आइए गले मिल लीजिए आके, बहुत बहुत। आप संस्कार की नगरी से हैं, मैं तहजीब की नगरी से। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। जी रचना जी, आपका सवाल। सर मेरा ये सवाल है, आप लोग ये बात कर रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? एक पटवारी ग्रुप टू समूह। अच्छा, मेरा ग्रुप वहाँ खड़ा है, और भी लोग हैं। और भी लोग हैं, गजब। अच्छा ये सारे क्वालिफाई किए हुए लोग हैं, पटवारी वाला एग्जाम और बहुत सारे। देखो जब क्वालिफाई कर लिया है तो ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए और ज्वाइनिंग का पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने से सरकार से गुजारिश लगा के हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। और जब हम लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे तो नेता प्रतिपक्ष भी हमारा समर्थन कर रहा, लेकिन जब घोषणा पत्र जब सामने नेता दे रहा है तो उस घोषणा पत्र में फिर से जांच कर। यही सही समय है रचना, जब पिंजरे से कबूतर निकाला जाए, कुछ ऐसा जादू किया जाए, जब दिन को रात, रात में दिन, ऐसा कुछ हो जाए। सही समय में कानों में ठाया आपने।